हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेजॉन प्राइम की एक मूवी देखी है जिसका नाम है देर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रंस। अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये कहानी दो कपल की है। एक कपल को बच्चे नहीं होते, एक दूसरे कपल को दो बच्चे होते हैं। और जो ये बच्चे होते हैं और ये सारे लोग एक जगह पे जाते हैं जहां पर जिसके बाद इन बच्चों के पास बच्चों के ऊपर कुछ ऐसा अजीब सा हो जाता है। अब ये क्या होता है, इनके पेरेंट्स किस तरह से इनसे डील करते हैं, दूसरे कपल का क्या रोल रहता है और इन सारी चीज़ों का बीच में इन बच्चों का क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ ना, स्क्रीन प्ले अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ देख रखी होंगी, काफ़ी ऐसी मूवीज़ देख रखी होंगी जहाँ वो कहीं जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ कांड होने लगते हैं, इस तरह की अगर आपने मूवीज़ देख रखी होंगी तो आपको इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगा और ऐसा लगेगा कि वहाँ से उठाया गया है। काफ़ी अलग अलग मूवी से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा लिए गए हैं और इस मूवी में डाल दिए गए हैं, ऐसा आपको फील आएगा। क्योंकि पर्सनली मुझे भी वैसे ही फील आ रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये सीन कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ये सीन कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ऐसा लग रहा था। मतलब काफ़ी सारी मूवीज का को तोड़कर इस मूवी को बनाया गया, जो कि एक ड्रॉबैक लग रहा था मुझे। ऑल द स्क्रीन प्ले में इतनी जान थी कि हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन्वेस्ट रहते हैं, बोर नहीं होते, जो भी चल रहा होता है उसमें मज़ा आता है। लेकिन हाँ, हमें कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ जो हॉरर वाले सीन्स थे वो भी उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते जितने रहने चाहिए थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि ये सब होने वाला है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स अच्छे, कुछ और थोड़े और बेटर किए जा सकते थे। ओवरऑल अच्छे हैं, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी ठीक ठाक है। हमें ज़्यादा कुछ, ऑल्दो हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता इन लोगों के पास्ट के बारे में, और ज़्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं बताया जाता इन कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन फिर भी जिस तरह से लिखा गया है वो इतना अच्छा तो है कि हम इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। और भी काफ़ी फ्लॉज हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पर बात करके मैं आपका इस मूवी को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता और ना ही कोई स्पॉइलर देना चाहता हूं। इसी कारण से मैं इससे ज्यादा फ्लॉस की बात नहीं कर सकता। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे दोनों ही बच्चों का काम काफी पसंद आया है और जो पेरेंट्स के कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं ना, उनका काम भी मुझे पर्सनली पसंद आया है। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग नहीं किया है। इस तरह की मूवीज हमने पहले भी देख रखी है, इस तरह के डायरेक्शन हमने पहले भी देख रखा है। साथ ही साथ डायरेक्टर ने कुछ भी हमें नया भी प्रोवाइड नहीं किया, और ऐसा लगता है जैसा कि मैंने बताया कि हमें इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि इस मूवी के सीन्स को उठाया गया, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जो एडिटिंग है वो अच्छी है, क्योंकि एडिटर ने काफ़ी मूवी को छोटा रखा है, साथ ही साथ काफ़ी अच्छे पेस पर रखा है। इसके कारण ये मूवी कब शुरू होगी, कब खत्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हॉरर मूवीज़ देखना पसंद आती हैं, आप लोगों ने इस तरह की मूवी ज़्यादा नहीं देखी हैं, तो डेफिनेटली ये मूवी आपको पसंद आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने काफ़ी सारी मूवीज़ देख रखी हैं और आप लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने की आदत है, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह की इससे बेटर मूवीज़ आपने ऑलरेडी देख रखी होंगी। तो आपको ये मूवी देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।